मध्य प्रदेश में सरकार के आदेश के बाद सोमवार से स्कूल 50% क्षमता के साथ खुल चुके हैं। कई स्कूलों में छात्रों की संख्या कम ही नजर आई है। मध्य प्रदेश सरकार के फैसले के बाद सोमवार से 50% क्षमता के साथ स्कूल खोले गए। मध्य प्रदेश सरकार ने रविवार को ही इस संबंध में आदेश जारी किए थे। सरकार के फैसले का असर बच्चों और परिजनों में नजर आया और ज्यादातर स्कूलों में छात्रों की संख्या कम नजर आई। भोपाल में स्कूल पहुंचे अभिभावकों ने सरकार के फैसले की तारीफ की तो छात्र इससे थोड़े मायूस नजर आए। नहीं, ये भी ठीक है सर, वैसे कोरोना देखते हुए हर पहले सतर्क हो जाएंगे और अच्छा रहेगा, ताकि क्या दिक्कत नहीं होगी, इसमें ज़्यादा पैसे भी नहीं बढ़ेंगे, है ना। और जैसे पहले भी ऑनलाइन मेंटेन चलते आ रहे, बच्चों का आदत में तो आ ही गया है, इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है सर। आज आपकी क्लास में कितने बच्चे थे, कितने स्टूडेंट्स थे? 11। कम ही थे? हाँ। ऑनलाइन क्लास पसंद है या ऑफलाइन क्लास पसंद है आप? ऑफलाइन। इंदौर के स्कूलों में भी कुछ ऐसा ही हाल नजर आया। कक्षाओं में छात्रों की संख्या कम नजर आई। इधर कोरोना के मामले बढ़ते देख स्कूलों ने भी सतर्कता बढ़ा दी है। स्कूलों में बच्चों से सख्ती से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा रहा है। छात्रों को एक स्थान छोड़कर क्लास में बिठाया जा रहा है। कहा गया है कि फिर से वही जो एक पशुपक्षी की जिंदगी हमने 2 साल गुजारी, पुनः वो स्थिति आ गई। पुनः हम शासन के निर्देशों का पालन करते हुए मात्र 50% क्षमता के साथ ही विद्यालय के विद्यार्थियों को प्रवेश देंगे। और निश्चित तौर पर हमारे बच्चों को भी ये समझाइश दी जा रही है कि बच्चों, ये समय हमें गुजारना है और पूर्ण एनर्जी और पूर्ण सुरक्षा के साथ गुजारना है। तो बच्चे हमारे जो हैं वो 50% क्षमता के साथ ही विद्यालयों में पढ़ाई करेंगे। मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर में बढ़ते कोरोना के मामले सरकार की चिंता का कारण है। इसी के चलते स्कूलों को फिर से 50% क्षमता के साथ खोला जा रहा है। कोरोना के बढ़ते डर के बीच नौनिहालों के भविष्य की चिंता भी सरकार को सता रही है, इसीलिए स्कूलों को पूरी तरह से बंद नहीं किया जा सकता है। टीम न्यूज़ 8।